आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 11 जुलाई की शुरुआत दिन की। परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम मालिक बन जाएं पांच तत्वों के। कहने का अर्थ यह है कि पांच तत्व हमें सहयोग करना शुरू करते हैं। तो पांच तत्व हो गए, हमारे शरीर भी पांच तत्व का बना हुआ है, और पांच तत्व हो गए आपके जल हो गया, उसके बाद में आपका आ गया पृथ्वी तत्व, फिर आ गया आपका वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये पांचों तत्व ही अगर हम इनको कंट्रोल करें तो हम बन जाते हैं मालिक। परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी हर कार्य में। तो मालिक कैसे बनते हैं, इनको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले अगर हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम शरीर के व्यसनों में, शरीर की लालसा में, शरीर के लोभ में, शरीर की प्राप्तियों में, धन दौलत संपत्ति काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो इसका मतलब आत्मा अधीन है शरीर की या प्रकृति की प्राप्तियों में। अगर आपके पास में कुछ प्राप्ति होगी धन की, आप खुश हो गए। अगर आपके पास में कुछ चीजें आ गई, आप खुश हो गए। अगर आपका अच्छा सा घर बन गया, आप खुश हो गए। अगर आपको गाड़ी आ गई, आप खुश हो गए। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप खुशी इन चीजों से ले रहे हो, इसका मतलब आप प्रकृति के दास हो, ना कि प्रकृति आपकी दासी है, क्योंकि आपकी खुशी पांच तत्वों के ऊपर बेस्ड है और पांच तत्व कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे। तो अगर हम देखें आज दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जगह जगह पर आज बाढ़ आ रही है, कईयों के घर हो रहे हैं। मनाली में जैसे देखा कि होटल का होटल बह गया आपका, क्योंकि वो नदी के किनारे में था। तो परमात्मा कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में प्योरिटी है, अगर आप जिस जगह पर रह रहे हो, अगर आपने वहाँ पर पवित्रता आपने बनाई रखी है, और वहाँ पर अगर आप तपस्या कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपने गीता पाठशाला या वहाँ पर आपने मेडिटेशन सेंटर या कुछ भी अगर आपने ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पर खोला है, तो वहाँ पर प्रकृति का प्रकोप कम हो जाएगा, वहाँ पर प्रकृति बहुत ताकतवर हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत बाबा, प्रकृति के ऊपर जीत पाने वाले। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। क्या आह्वान कर रही है प्रकृति? कह रही है कि हे मेरे मालिकों, हे पूर्वज देवी देवता आत्माओं, आप फिर से पतित से पावन बन जाओ, क्योंकि मैं बहुत समय तक इस पृथ्वी पर होने वाले नाटक को मैं संभाल नहीं सकती हूँ। प्रकृति कह रही है चीख चीख करके कि मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं लिया जाता, इसलिए भूकंप आ जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर किसी का शरीर अगर पुराना हो जाता है तो उसकी झुर्रियां आ जाती हैं, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो धरती की भी यही हालत है। जैसे हमारे पांच तत्वों की हालत है, तो धरती की भी हालत है। जैसे एक शरीर छोटे बच्चे का बिल्कुल कोमल होता है, फिर आस्ते आस्ते जब 80-90 वर्ष हो जाता है शरीर, तो बहुत पुराना होता है। इसी तरीके से पृथ्वी एक समय पर चली थी जीरो टाइम, फिर एक, फिर दो, तीन, आज 5,000 वर्ष हो चुके हैं। प्रकृति जो धरती है उसके ऊपर भी झुर्रियां आ चुकी हैं, उसके ऊपर भी बहुत प्रकोप हो चुके हैं, उसके अंदर भी तबीयत उसकी खराब हुई हुई है, बीमारी हो चुकी है उसके अंदर भी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति कह रही है कि अब आह्वान कर रही है, अब जागो। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, हमें दिख रहा है चारों तरफ, है ना। कहीं पे बाढ़ आ रही होती है, कहीं पे आग लग रही होती है, कहीं पे टाइफून, कहीं पे कुछ हो रहा होता है। तो परमात्मा कहते हैं हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनेगी। प्रकृति जीत का अर्थ ही सिंपल है कि कोई चीज देखी तो मुख में थूकाना शुरू हो गया, कोई अच्छी चीज देखी पहनने वाली तो उसको खरीदना 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 है, या कोई अच्छी चीज देख ली आपने अगर खरीदने वाली तो आपको वो चाहिए चाहिए चाहिए। परमात्मा कहते हैं अगर हमें पांच तत्वों की प्राप्ति के द्वारा, धन दौलत और संपत्ति के द्वारा चीजें खरीद करके, अगर हमें खुशी अगर अभी भी मिल रही है और उसके ऊपर हम अगर अभी अधीन है, इसका मतलब प्रकृति हमारे ऊपर मालिकपन का रूल कर रही है, राज्य कर रही है, जबकि होना चाहिए हम आत्माएं, माइंड ओवर मैटर जिसको कहते हैं, कि हम आत्माएं पांच तत्वों को गाइड करें, उनके ऊपर रूल करें। तो तभी हो पाएगा जब हमारी इच्छाएं बिल्कुल ही कम हो जाएंगी, नेक्स्ट टू जीरो। फिर परमात्मा कहते हैं जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, मतलब भूकंप भी आएगा, कुछ भी होगा, नुकसान नहीं। तूफान आएंगे, धरनी हिलेगी, मतलब अर्थक्वेक आएंगे, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा, मतलब कि बाहर आप देखेंगे, अरे बाप रे उसका घर चला गया, अरे उसका घर चला गया, अरे उसके घर में ये क्रैक्स आ गए, अरे उसका घर ढह गया। लेकिन बराबर कहते हैं जहाँ पे आपने पवित्रता से कार्य किया है, जहाँ पे आपने परमात्मा को याद करके हर कार्य किया है, शक्ति से कार्य किया है, वहाँ पर वो सूली की जगह कांटा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा असर होगा वहाँ पर, लेकिन वो ढह नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे, और सारी की सारी आत्माएं उसमें भागेंगी आपकी तरफ, स्थूल या सूक्ष्म सहारा लेंगे। भूकंप आया आपकी तरफ आ जाएंगे,
कि उनको लगेगा कि आपका जो बिल्डिंग बन रही है, आपका जो घर बन रहा है बहुत शक्तिशाली है, और वहां पर वो सहारा लेने के लिए आएंगे। तो ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब परमात्मा की शक्ति हो, लगन हो परमात्मा के साथ में, और हमने पवित्रता धारण करी हो, और अगर हम अधीन ना हो पांच तत्वों के पर, सुख शांति के लिए, खुशी के लिए, तो ही जाकर के हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही कार्य कर पाते हैं। ये सब कुछ सिखाया जा रहा है परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्म कुमारी में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सुखी रहें, शांत रहें, और आप भी परमात्मा की शक्ति के द्वारा प्रोटेक्टेड रहें, तो आप भी इस तपस्या को करना शुरू करें और ब्रह्म कुमारी का 7 दिन का कोर्स करें, और आज की मुरली जरूर सुनें। ओम शांति के साथ।